खेसारी लाल यादव और अक्षरा सिंह की ये तस्वीरें आप बिहार तक पर सबसे पहले देख रहे होंगे, लेकिन इस वीडियो के खास होने की वजह ये है कि खेसारी और अक्षरा काफी लंबे समय के बाद साथ नजर आए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि खेसारी और अक्षरा किसी शादी समारोह में शामिल होने गए हैं। दरअसल मौका था भोजपुरी फिल्म निर्माता प्रदीप कुमार शर्मा के बेटे राहुल शर्मा की शादी का। इसी शादी में खेसारी और अक्षरा शरीक होने पहुंचे थे। आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि अक्षरा सिंह स्टेज पर पहुंचते ही सबसे पहले खेसारी से गले मिलती हैं, फिर दूल्हे से हाथ मिलाती हैं। इसके बाद भोजपुरी के वरिष्ठ अभिनेता कुणाल सिंह के साथ भी हाथ मिलाती हैं। इसके बाद खेसारी अक्षरा सिंह के कान में कुछ फुसफुस आते हैं, जिस पर अक्षरा हंसने लगती हैं। खेसारी ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि प्रदीप शर्मा के साथ उनके पारिवारिक संबंध है। दूल्हे का शादी नहीं हो रहा है, एक लड़के का शादी नहीं हो रही, हीरो की शादी हो रही है। और हम लोगों ने तो भोजपुरी में काम किया है और हमारे परिवार का एक ऐसा बच्चा है, हमारे लिए तो भाई की तरह है। ऐसे लोग तो मैं भैया बोलता हूँ, तो भतीजा के हिसाब से हुए, लेकिन हम दोनों की उम्र सेम है, इसलिए हमारे भाई की तरह है। तो इन्होंने हिंदी सिनेमा तक किया है और इस परिवार को जोड़ने के लिए आप सब बैठिया पार्टी को दिल से धन्यवाद हम पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री की तरफ से कि आप लोगों ने हमें उस काबिल समझा कि आप अपने घर की अनमोल रतन हमारे घर पहुँचा रहे हैं। और एक हमारी बिटिया रानी है जिन्होंने अभी कई सारे सिनेमा में इन्होंने मेरे लिए सिंगिंग भी किया है, इन्होंने गाना भी गाया है। तो ये परिवार एक संगीत मैं है, प्रदीप भैया, हमारी भाभी माँ, ये पूरी फैमिली खेसारी की है। आपको बता दें कि प्रदीप कुमार शर्मा खेसारी के साथ आशिकी तो वहीं अक्षरा सिंह के साथ सबका बाप अंगूठा छाप जैसी फिल्में कर रहे हैं। आशिकी में खेसारी आम्रपाली दुबे के ऑपोजिट हैं, तो सबका बाप अंगूठा छाप में अक्षरा निरहुआ के ऑपोजिट। दोनों ही फिल्में पर्दे पर आने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोरोना की वजह से रुकी हुई हैं। कोरोना की वजह से ये शादी जिसमें खेसारी और अक्षरा शामिल हुए हैं वो भी रुकी हुई थी। भोजपुरी फिल्म निर्माता प्रदीप कुमार शर्मा के बेटे राहुल शर्मा खुद एक अभिनेता हैं। वो एक्सरे नाम की हिंदी फिल्म के साथ अपना डेब्यू भी कर चुके हैं। मार्च में ही राहुल की शादी शिक्षा के साथ होने वाली थी, लेकिन कोरोना की वजह से ये टल गई और अब जाकर जुलाई में हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट बिहार तक।